हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, जो हमने कल सेवइयाँ तैयार की थी ना घर पे बनाई थी, वो आज हमने पका के दिखानी है आपको। ठीक है, नमकीन सेवइयाँ सबको पसंद होती हैं, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको मज़े की लगती हैं। चाहे इसमें आप वेजिटेबल्स डाल लें, चिकन डाल लें, मीट डाल लें, बीफ डाल लें, जो आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल के और अपनी सेवइयों को उसमें डाल के स्लो फ्लेम पे भूनना है अच्छी तरह। जब इनका कलर चेंज हो जाए फिर निकाल के रख लेंगे एक प्लेट में, और हम इनमें शिमला मिर्च और आलू काट लेंगे। तो मैंने अपना मसाला पहले रेडी कर लिया था, तो इसलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने अनियन डालना है, उसके बाद हमने टमाटर और लहसुन और हरी मिर्च तीनों को एक कुंडी डंडे में पीस लेना और डाल देना है प्याज के अंदर। फिर उसके अंदर हमने डाल देनी है लाल मिर्च, नमक और हल्दी, और उसके बाद हमने आलू डाल के पानी डाल देना है। पानी हमने डाल देना है अंदाजे से सेवियों के हिसाब से। अगर हमारी 2 प्लेट सेवियाँ ना, तो हमने 2.5 प्लेट पानी डाल देना है। और फिर बाद में हमने जब आलू गल जाए 50% सेवियाँ डाल देनी है अपनी। सेवियाँ डाल के अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इस पर तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए ना ढक्कन दे देंगे, इसे बंद कर देंगे। 1.5 से 2 मिनट में इतनी ज़बरदस्त मज़े की है। लो जी, सेवियाँ हमारी रेडी होने वाली हैं। अब हम इसका ढक्कन उतारेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखें, तकरीबन 90% ये पक चुकी हैं। अब इनमें एक मरतबा चम्मच से हम इसे हिलाएंगे और फिर इसके ऊपर फिर 1 मिनट के लिए ढक्कन वैसे ही बंद करके रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाएँ और गल जाएँ। ये देखें, अब हम इसकी आग जो है बंद कर देंगे और लें जी, अब हम इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन। चलें जी, हमारी सेवियाँ रेडी हैं, हमने सर्व कर दी हैं। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लगती हैं, और यकीन जाने खाने भी मज़ेदार हैं। और दूसरी रेसिपी इन्हीं सेवियों की हम बनाने जा रहे हैं, वही सेवियाँ मीठी दूध में, बहुत मज़े की बनती हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती हैं। इसके लिए हम फिर एक कढ़ाही में ऑयल डाल के अच्छी तरह से सेवियों को भून लेंगे, ताकि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और जो पानी हमने गर्म होने रखा था उसमें सेवियाँ डाल देंगे। जैसे ही हमारी सेवियों में 1-2 बॉयल आएंगे, हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी और दूध। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये सेवियाँ बन के रेडी हो जाती हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। इनमें आप कोई ड्राई फ्रूट ना डालें, कोई चीज़ ना डालें, फिर भी ये घर की बनी हुई सेवियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं। यकीन जाने बच्चे इतने शौक से खाते हैं, और ये फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि आपने इन्हें घर पे तैयार किया है अपनी आंखों के सामने खुद से चीज़ें डाल के। इसमें मुझे दूध थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा दूध और डाल दिया है। तो ये देखिए, अब हम इसे ढक्कन रख के बंद कर देंगे, ताकि सेवियाँ जो ना हमारी अच्छी तरह गल जाए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, एक एक खिली हुई है। ये ऐसे बन जाए कि फलूदा टाइप मज़े की। ये देखें, ये हमारी सेवियाँ अब तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। तो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए और उर्दू स्टोरी सुनने के लिए इस्लामिक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।